वैसे आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल की स्मैकडाउन यानी कि दोस्तों रेसलमेनिया स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। रेसलमेनिया 38 को होने में 48 घंटे से कम का समय रह गया, लेकिन रेसलमेनिया से पहले दोस्तों रोमन रेंज ने जिमी फैलन के शो में एक बड़ा खुलासा किया है। अब वो क्या है वो हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। तो कल दोस्तों में 1 अप्रैल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलने वाली है, जो कि गाइस अपने आप में काफी ह्यूज है क्योंकि इसे नाम दिया गया है रेसलमेनिया स्मैकडाउन का, जो कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि रेसलमेनिया स्मैकडाउन हो रही है क्योंकि ये रेसलमेनिया से पहले है, तो इसलिए इसका नाम ही रखा गया, जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 से 4 सेगमेंट जो है अभी वालों ने कंफर्म किया है। जहां सबसे पहली चीज जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। तो गाइस ये मैच डब्ल्यू वालों ने लास्ट वीक ही कंफर्म कर दिया था, जहां रिकोशे फेस करने वाले हम्बर्टो एंड गार्जा को, एक ट्रिपल थ्रेट है। और हमने देखा है गाइस रिकोशे भी एक हफ्ते में हार ही हार है, उन्होंने रॉ में भी ऑस्टिन थ्योरी से हार देखी थी और गाइस उससे पहले भी वो इन दोनों से एक एक मैच हार गए थे स्मैकडाउन में। लेकिन मुझे क्या लगता है इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जहां उनकी चैंपियनशिप दाव के ऊपर है, रिकोशे डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स को देखा जाए जो कि इनके अपोजिट में है वो टैग टीम में है, तो यहां दोस्तों मैं रिकोशे को ही पिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन का हैप्पी टॉक। तो इस बार दोस्तों हैप्पी टॉक किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि होने वाला है तलवार के साथ। जी हाँ दोस्तों, ड्रू मैकइंटायर की तलवार जो कि दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन ने लास्ट वीक चोरी कर ली थी, उसके साथ दोस्तों हैप्पी कॉर्बिन हैप्पी टॉक करने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ ड्रू मैकइंटायर का क्या रिएक्शन होता है। मेरे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर हैप्पी कॉर्बिन पर धावा बोलेंगे और अपनी तलवार वापस लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी गाइस उसोस का अटैक बुक्स एंड शिंस के नाकामुरा के ऊपर। तो बुक्स एंड शिंस के नाकामुरा दोस्तों अटैक किए थे मंडे नाइट रॉ में हमारे उसोस के ऊपर। आप लोगों ने देखा था किस तरीके से उसोस को मेन इवेंट में रिट्रीट करना पड़ गया था, तो ऐसे में हमें इस बार स्मैकडाउन में चीज देखने को मिल सकती है बैक स्टेज उसोस इन दोनों के ऊपर अटैक कर दे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी वो है रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर की ब्रॉल। तो हमने देखा है रोंडा राउजी ने 2 बारी मार खाई है शार्लेट से, 1 बारी भी अपर हैंड नहीं ले पाई है। कल दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिल सकती है कि दोनों के मध्य ब्रॉल हो जाए, क्योंकि शार्लेट भी आने वाली है और रोंडा राउजी भी, तो ऐसे में दोस्तों वहां हमें तगड़े वाली कैट फाइट देखने को मिल सकती है। इनका मैच स्मैकडाउन की चैंपियनशिप के लिए होने वाला है रेसलमेनिया में, तो गाइस देखते हैं वहां क्या होता है। चलते अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे में स्मैकडाउन का 100% कंफर्म्ड है, वो है गाइस एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। तो बीते सालों में हम लोगों ने देखा है जो बैटल रॉयल होती थी ये होती थी हमारी रेसलमेनिया में, लेकिन इस बार की रेसलमेनिया फुल्ली पैक्ड है, तो ऐसे में दोस्तों इसे इस बार की स्मैकडाउन के एपिसोड में रखा गया है। इसके दोस्तों आप कंटेस्टेंट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फिन बैलर जो कि मंडे नाइट रॉ से आ रहे हैं, उनके साथ डेमियन प्रीस्ट जो कि इनके ओपोनेंट माने जा रहे थे वो भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारी भारत की शान जिंदर महाल भी इसके अंदर है, साथ ही साथ रूड भी है। तो जिन सुपरस्टार्स के मैंने अभी नाम लिए हैं यही टॉप कंटेंडर्स हैं जो कि इस बारी के बैटल रॉयल को जीत सकते हैं, क्योंकि बाकी के सुपरस्टार्स उतने खास नहीं है। हाँ शैंकी जीतते हैं तो उनके लिए काफी बढ़िया चीज रहेगी क्योंकि वो भी एक जायंट ही है, लेकिन दोस्तों देख रहा होगा कि कौन इस पर्टिकुलर बैटल रॉयल को जीतता है। मेरे फेवरेट दोस्तों इसके अंदर फिन बैलर है। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है कल की फ्राइडे स्मैकडाउन का, वो है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर फाइनली गेट्स हैंड्स ऑन रोमन रेंस। तो फाइनली हाथ उठा सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर ब्रॉक लेसनर कल की फ्राइडे नाइट में, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी थे 2 हफ्तों से लेसनर से सिर्फ भागे जा रहे हैं रोमन रेंस, और डब्ल्यू वाले इस स्टोरी लाइन के ऊपर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि रोमन रेंस को डरपोक दिखाया जा रहा है। रिवर्स साइकोलॉजी का डब्ल्यूबी इस वक्त यूज कर रही है, जहां सभी को लगेगा रोमन रेंस हारने वाले, लेकिन अंततः रोमन रेंस का ही पलड़ा भारी रहेगा। तो ऐसे में लेसनर कल फाइनली उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं, और काफी समय से भाग भी रहे हैं रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर को पूरा पूरा मौका मिल सकता है। मेरे हिसाब से कल रोमन रेंस के पिटने के हाई चांस है। ये चीज भी हो सकती है कि उल्टा हो जाए, ये चीज पक्की है दोस्तों कि कल बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी स्मैकडाउन में, क्योंकि गाइस स्मैकडाउन को डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा पूरा कोशिश करने वाली है कि रेसलमेनिया के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्साइटिंग बना सके। चलते हैं दोस्तों अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा जुड़ा है खबरों से। तो आज सबसे पहली खबर जो आज की भारी जुड़ी हुई वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस ने दोस्तों बिल्कुल तबाही मचा रखी ट्विटर के ऊपर,
आप देख सकते हैं इन सारे सुपरस्टार्स को उन्होंने बीते 24 घंटे में मेंशन किया है कि वो रेसलमेनिया में उन्हें फेस कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे सुपरस्टार्स में से आप लोग भी जानते हैं कि कौन होगा वो एक जो कि सेट को फेस करेगा। लेकिन आज तो दोस्तों सेट ने हद ही कर दी, सेट ने एक ऐसा ड्रीम मैच टीज कर दिया जो कि हर कोई देखना भी चाहता है। बिल गोल्डबर्ग को सुबह सवेरे दोस्तों सेथ रॉलिंस ने मेंशन किया ट्विटर के ऊपर, गोल्डबर्ग वर्सेस सेथ रॉलिंस आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। सेथ रॉलिंस काफी एजल सुपरस्टार है, गोल्डबर्ग दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइंड नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उनका रिटर्न हो जाता है तो हो सकता है मैच इन फ्यूचर बने। लेकिन क्या रेसलमेनिया में गोल्डबर्ग वो व्यक्ति होंगे? मुझे नहीं लगता है। हालांकि दोस्तों बात की जाए बैकी की, बैकी ने हाल ही में सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी के ऊपर कमेंट किया। हाल ही में दोस्तों जो हमारी बैकी है एक पॉडकास्ट का हिस्सा थी जिसके अंदर दोस्तों उनसे सवाल पूछा गया कोडी के ऊपर, ये चीज बोले हैं हमारे जो वहां होस्ट थे कि प्रिय बैकी ये चीज बताओ कि बीती रॉ में काफी ज्यादा चैट लग गई थी कोडी कोडी के नाम की, क्या कोडी आने वाले हैं? जिस पर दोस्तों बैकी ने काफी अच्छा काउंटर किया, वो ये चीज बोली है कि वहां कोडी की चैन नहीं लग रही थी, वहां कोलबी की चैन लग रही थी जो कि उसका गवर्नमेंट नेम है यानी कि रियल नेम है। इसके बाद बैकी बोली कि देखो जो सैत है वो इतना टैलेंटेड है, खुद से भी फाइट कर सकता है और इसीलिए लोग जो थे कोलबी चैन लगा रहे थे। काफी अच्छे से दोस्तों यहां बैकी ने चीजों को संभाला है। हालांकि दोस्तों चांसेस की बात की जाए तो कोडी के आने के चांसेस ही सबसे ज्यादा है बजाय किसी दूसरे सुपरस्टार के। हाँ एक बंदे के चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं जो कि इस घंटे की सबसे हॉट न्यूज भी है, द फीन ब्रे वायट का दोस्तों रिटर्न हो सकता है। ब्रे वायट दोस्तों डेलिस पहुंच चुके हैं जहां दोस्तों उन्होंने आईजी के ऊपर एक पिक डाली अपनी और नीचे जो कैप्शन मिल गया उसके तहत अब फैंस को लग रहा है कि वो हो सकते हैं सेथ के अपोनेंट। तो कई फैंस का दोस्तों ये भी मानना है कि कभी भी विंस मैकमैन हैंड पिक नहीं करेंगे कोडी को, तो ऐसे में कौन वो व्यक्ति होगा ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहा है। ब्रे वायट डैलस पहुंचे, उन्होंने ये चीज लिखी मैं डैलस पहुंचा हूं और यहां पहुंचते ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फिर से अलाइव हो चुका हूं। दिस प्लेस मेक मी फील अलाइव, आई मिस द एनर्जी, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करता आया हूं और 6 लोगों के मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और जो कि पोस्ट में नीचे आप लोग करेंगे मैं 6 क्वेश्चन ही उठा पाऊंगा क्योंकि मैं सरप्राइज रुइन नहीं करना चाहता। तो सरप्राइज रुइन ना करने की जो ये बात की है दोस्तों, क्या सरप्राइज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। फिंड ब्रे वायट डैलस टेक्सास में पहुंचे जहां रेसलमेनिया होने वाली है। गाइस कुछ ना कुछ बड़ा होगा, चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस से। मेगा अपडेट है, सुननी बहुत जरूरी है। केविन ओवेंस वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो कि दोस्तों एक पर्टिकुलर सेगमेंट है हमें मेन इवेंट पर देखने को मिलेगा नाइट वन पर। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया रोंडा राउजी एक इंटरव्यू में बोली थी कि मैं हमेशा से मेन इवेंट करती आई हूँ, नाइट वन पर भी जो मेरा मैच है शाओलिन के खिलाफ वो मेन इवेंट में रखा जाने वाला। लेकिन इस पर दोस्तों डेव मेल्जर ने काउंटर किया, चीज बोले हैं कि देखो केविन ओवेंस और जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सेगमेंट है उसे मेन इवेंट में रखा जाएगा क्योंकि केविन ओवेंस ने इसे रॉ के अंदर मेंशन किया था और रॉ के अंदर उनका जो प्रोमो था वो स्क्रिप्टेड था यानी कि विंस मैकमैन के यही प्लान से। रही बात रोंडा की, रोंडा को नहीं पता कि मेन इवेंट किसका होने वाला है, तो गाइस यहां डेव मेल्जर ने साफ कर दिया है कि अगर किसी शो का हिस्सा स्टोन कोल्ड हो रहे हैं ऑब्वियसली स्टोन कोल्ड ही मेन इवेंट में होंगे। तो ओवेंस वर्सेस स्टोन कोल्ड ही मेन इवेंट में रखा जाने वाला है एज पर रिपोर्ट्स। चलते हैं से अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस अब बात लग चुकी है रेसलमेनिया की, रेसलमेनिया के स्टेज को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने दोस्तों इसकी आपको आधी अधूरी तस्वीर दिखाई थी जो कि दोस्तों शुरुआत की थी, लेकिन अब दोस्तों इसकी पूरी तस्वीर हम लोगों के सामने आ चुकी है। एक नहीं दो तस्वीरें आई है। सबसे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं स्टेज किस तरीके का दिख रहा है। स्टेज दोस्तों काफी अच्छा है, इसमें एक बड़ा सा 200 स्टार होगा एंट्रेंस रैंप के ऊपर जिसके नीचे से सुपरस्टार चलकर आएंगे। ये रही बात दोस्तों हमारे रैंप की, बात कर लेते हैं रिंग के ऊपर की। रिंग के ऊपर दोस्तों आपको 2 स्टार देखने को मिलेंगे एक दूसरे के अपोजिट और बाकी और दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन्स लगी होगी उसके ऊपर। दोस्तों जो टाइट्रॉन होगा वो भी काफी भव्य लग रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों स्टेज काफी अच्छा है और गाइज अब ये आपके सामने आ गया, इसे 5 में से कितनी रेटिंग देंगे बताया जरूर। चलते आज के प्लीज सैला न्यूज के ऊपर। तो सैला न्यूज जो आज के मैच जुड़ी है और जुड़ी है द फीन ऑफ अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर दोस्तों कल स्मैकडाउन के बाद हॉल ऑफ फेम का हिस्सा होने वाले, लेकिन हॉल ऑफ फेम से पहले दोस्तों उन्हें काफी बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। DX वालों ने दोस्तों उन्हें उनका स्टैचू गिफ्ट किया। तो हाल ही में दोस्तों रेसलमेनिया एक्सेस का पार्ट थे अंडरटेकर, जहां दोस्तों ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर स्टैचू गिफ्ट किया है जो कि काफी भव्य रहा। अंडरटेकर इस इवेंट में अपनी फैमिली के साथ आ रखे थे, वहीं दोस्तों लेजेंड जैसे कि रिकिशी गॉडफादर भी मौजूद थे। अंडरटेकर ने सारे फैंस का धन्यवाद कहा है और मैं उल्टा दोस्तों अंडरटेकर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि दोस्तों उन्होंने इतने सालों हमें एंटरटेन किया। चलूंगा आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से, जिन्होंने कह दिया है
कि दिस इज एंड ऑफ ए चैप्टर। तो गाइस बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दिया, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जिमी फैलन के शो में दोस्तों रोमन रेंस आ रखे थे, जिस पर उनसे जब पूछा गया इस मैच पर, तो रोमन रेंस ने कहा इट्स चैकमेट, इट्स टाइम दैट वी क्लोज दिस चैप्टर एंड मूव ऑन। यू नो फॉर मी आई हैव बीन ऑन रन ऑफ अ लाइफ टाइम, आई थिंक आई हैव सॉलिडिफाइड माय सेल्फ क्लियरली इन द मॉडर्न डे एज द ग्रेटेस्ट चैंपियन टू बी पार्ट ऑफ WWE। आगे दोस्तों जो कुछ उन्होंने कहा वो ज्यादा शॉकिंग था, वो ये चीज बोले हैं कि ये हमारे चैप्टर का अंत होने वाला है, ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद ब्रॉक एंड मेरे जो पाथ है वो अलग अलग हो जाएंगे, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा जहां मुझे कोई भी टच नहीं कर पाएगा। तो गाइस रोमन रेंस ने खुलासा कर दिया है कि ये जो मैच है इनकी राइवलरी का आखिरी मैच है, जो जीतेगा टाइटल्स ले जाएगा घर। किसे सपोर्ट करें कमेंट करके मुझे सब बताएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।